Capella, built in oven, 604 TMR. TMR stands for turbo with motorized rotisserie. इस ओवन में हमारे पास बैक साइड में टर्बो फैन है एंड मोटराइज्ड रोटेसरी का ऑप्शन अवेलेबल है. एक्सेसरीज में रोटेसरी स्टैंड, बेकिंग ट्रे, रोटेसरी किट एंड ग्रिल रैक, मैनुअल एंड इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज अवेलेबल है. इस ओवन में हमें दो पुश इन नॉब्स मिलते हैं जिन्हें हम पुश करके या बाहर ओपन करके यूज कर सकते हैं. सेंटर हमारे पास टाइमिंग ऑप्शंस हैं. लेफ्ट नॉब हमारा प्रोग्राम सिलेक्शन के लिए है, राइट नॉब थर्मोस्टैट जो टेम्परेचर सेटिंग को डिनोट करता है, सेंटर इज द टाइमिंग सेटिंग्स. जब हम ऑन करते हैं स्टार्टिंग हमारा 12 शो करता है जो दोपहर के 12 है. रियल टाइम के ऊपर इंडिकेट करता है. प्लस माइनस की हेल्प से हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. जैसे अभी सपोज 12:10 है, दोपहर के 12:10 हम रियल टाइम सेटिंग से प्लस माइनस की मदद से इसको 12:10 सेट कर सकते हैं. हमारा 12:10 पर रियल टाइम सेट हो गया है. पहला ऑप्शन टाइमिंग सेटिंग्स में अलार्म है, सेकंड कुक टाइम, थर्ड एंड कुक टाइम एंड फोर्थ रियल टाइम जो हमने अभी सेट किया. जब तक हम ऑप्शंस नहीं देंगे हम टाइम नहीं ऐड कर सकते. सबसे पहले हम ऑप्शंस देंगे. स्टैंडिंग मार्क हमारा जीरो को डिनोट करता है. जीरो स्टैंड्स फॉर नो फंक्शन सिलेक्शन. जैसे ही हम नॉब्स ऑन करते हैं हमारा इसमें ग्लो लाइट ऐड हो जाता है. जीरो, देन इज लाइट, देन इज टॉप एंड बॉटम एलिमेंट, बैक फैन विद बॉटम एलिमेंट, टॉप एलिमेंट, ग्रिल, ग्रिल विद रोटेसरी, बैक एलिमेंट विद फैन एंड डिफ्रॉस्ट, बैक टू जीरो. सिमिलरली थर्मोस्टैट में हमारे पास टेम्परेचर सेटिंग्स 60 डिग्री से लेकर 250 डिग्रीज तक दिया हुआ है. हम कोई भी फंक्शन देकर टेम्परेचर सिलेक्ट करते हैं. जैसे ही टेम्परेचर स्टार्ट होता है हमारा टेम्परेचर नॉब में भी ग्लो लाइट आ जाता है. टेम्परेचर सेटिंग्स नॉब के ऊपर दिया गया है. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे नॉब को हमें रोटेट करना है. मैक्सिमम सेटिंग 250 डिग्रीज के लिए है. हम कोई भी सेटिंग करके फंक्शन फीड करने के बाद हम इन नॉब्स को वापस पुश इन करके छोड़ सकते हैं. फंक्शन हमारा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और एंड हो जाएगा. सपोज अभी हम फंक्शन डिफ्रॉस्ट लेते हैं, टेम्परेचर हम 60 डिग्रीज पर रखते हैं, कुक टाइम हम 2 मिनट्स का देते हैं एंड कुक टाइम हमें 16 पर चाहिए. दैट मींस 12:14 पर हमारा कुक टाइम स्टार्ट होगा एंड 12:16 पर फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा. नॉब्स को हम वापस पुश इन कर छोड़ देते हैं. इन केस हमें एंड कुक टाइम नहीं देना, हमें स्टार्टिंग करना है, फंक्शन देना है, तो हम
उसको एंड कुक टाइम दिए बिना भी स्टार्ट कर सकते हैं। जब हमारा कुकिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद वो बीप साउंड देगा जो हमें सेंटर बटन प्रेस करके क्लोज करना होगा।